इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अडानी पावर स्टॉक के बारे में। ओवरऑल जो अडानी के रिसेंट के न्यूज रहे थे, अडानी के मतलब कि अडानी के टोटल न्यूज, वहां 30,000 करोड़ के फंड रेज करे और ये एक बड़ी जीत मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो वर्डिक्ट आने हैं उसको 30 तारीख को डिसीजन को कहा गया। इससे पहले 20 था, उससे पहले 14 था, तो इस समय जो है डेट पे डेट बढ़ाते जाते दिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। इंडिविजुअल अडानी पावर के न्यूज तो नहीं है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6% की गिरावट दिखी है और ये गिरावट इसीलिए दिखी क्योंकि बाजार में सेंटिमेंट वीक थे और BSE पावर में भी गिरावट दिखी है। पिछले 6 मंथ के ट्रेंड अभी भी काफी हायर दिख रहे हैं और अगर मैं बात करूं लोअर प्राइस से तो स्टॉक ने 220% तक के रिटर्न दिए हैं। तो एपिसोड में आगे बढ़ें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। प्रीमियम टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है और उसके जो पिन मैसेज है उसको वॉचआउट करें अगर बाजार में आपको बड़ी लर्निंग खुद से करनी है। तो इस समय एक बड़ी खबर देखेंगे कि स्टॉक में क्या ट्रेड हो रही है। तो इस समय जो बड़ी खबर इस स्टॉक में है वो इसके क्वार्टरली नंबर्स को लेकर के है और यहां मैं आपको दिखाऊं तो थर्सडे 2 नवंबर 2023 को इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। इस दिन को अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर लें, अपने जो डायरी है उसमें लिख लें अगर आप इस स्टॉक के शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा इंडिविजुअली देखेंगे तो कुछ भी न्यूज इंडिविजुअली इस स्टॉक के नहीं दिख रहा है। टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा मंथली वीक होगा क्योंकि इस समय थोड़ा हायर प्राइस से 400 के प्राइस से प्रॉफिट बुकिंग आई है और यहाँ टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो 3 to 6 मंथ के काफी परफॉर्मिंग रहे हैं। जो डिलीवरी है वो बेटर दिख रही है 40 to 60% का, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो वॉल्यूम रहा था गिरावट का वो काफी बड़ा वॉल्यूम नहीं रहा था। ऐसा एवरेज वॉल्यूम जो है आपको लगभग हर दूसरे चौथे दिन दिख रहा है, लेकिन ये जो गिरावट रही वो इसीलिए रही क्योंकि पूरे बाजार में ही एक वीकनेस था, वो बॉन्ड यील्ड को लेकर के जो US की थी। BSE पावर में देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी गिरावट यहाँ देखेंगे, एक बड़ा डाउन ट्रेंड दिखा जिसका इम्पैक्ट हुआ कि अडानी पावर में भी दिखी है। BSE पावर के दो सपोर्ट दिख रहे हैं, पहला तो ये सपोर्ट आ रहा है 4200 से 4300 और जो दूसरा सपोर्ट है वो 4000 के आसपास का यहाँ देखेंगे, ये दूसरा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दो मेजर सपोर्ट इस स्टॉक में दिख रहे हैं। एक बार अडानी पावर के सपोर्ट को देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट से पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बड़ा ब्रेकडाउन भी दिख सकता है। यहाँ देखेंगे तो लोअर लेवल से तो स्टॉक ने 200% तक के रिटर्न दिए हैं, इस समय थोड़ा कौशन बरतेंगे। ये जो लेवल आपको दिख रहा है इस जोन में ही 278 से लेकर के 290 के बीच का एक बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन हो सकता है। अपर साइड इस स्टॉक में तब तक नहीं जाएंगे जब तक मिनिमम 350 के ऊपर नहीं जाता है। टेक्निकल शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक है, 350 के ऊपर ही मोमेंटम ट्रेडर लेंगे या फिर एक वेस्ट वैल्यू बाइंग जोन जो हमने कहा 276 से लेकर के 284 के लेवल का वेट करेंगे।